जैसे कि YouTube से पैसा हम कमा रहे हैं और बहुत सारे क्रिएटर कमा रहे हैं, तो आप चाहोगे कि मैं भी कमाने लगूं, तो नहीं कमा सकते हो। अब बोलोगे कैसे भाई, आप कमा सकते हो मैं क्यों नहीं? तो इसका एक ही रीजन है कि आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है। तो कम से कम आप जब कोशिश करोगे, इसलिए बोल रहे ना कि कोशिश करो। दोस्तों आज के जमाने में और आज से 20 साल पहले के जमाने में बहुत सारा अंतर था। क्या अंतर था कि 20 साल पहले के लोग नहीं भी कमाते थे तो उनका जीवन अच्छे से कट जाता था खेती करके। और अभी के डेट में जैसे कि 20 साल नहीं, जैसे कि आप 20 साल और गैप भी जा सकते हो, और अभी के डेट में लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं एक लाइन से, फिर भी खुशहाल नहीं है। इसलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है, कम से कम इंसान का 3 से 4 या मल्टीपल इनकम का सोर्स रहना चाहिए एक व्यक्ति का। अब वो होगा कैसे, ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान 3-4 जगह से पैसा कैसे कमा सकता है। कितने लोग नहीं जानते हैं जो गांव देहात के हैं, जैसे कि आप मेरा वीडियो ही देख रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से कम मेरा व्यूज इस वीडियो पे अगर 100 ही आ जाएगा तो लगभग मैं इस वीडियो से 40 से 50 रुपया इनकम कर लूंगा। 200-300 व्यूज आने के बाद मैं इसे 50 से 60 रुपये इनकम कर लूंगा। अगर 1000 व्यूज आ जाए तो कम से कम 70 से 80 रुपया या 100 रुपया इनकम कर लूंगा। आप लोग सोचोगे ये क्या बक रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। पहले के जमाना में लोग क्या करते थे जानते हैं? वो अपना खर्चा मेंटेन करके चलते थे। जैसे कि बकाया, जैसे कि एक दुकानदार है और जब भी आप सामान बकाया ले जाते हो उसको क्या करते हो, लिखते हो, और वो उतना ही तो कहीं रहता है, बढ़ता नहीं है। और आज के ज़माने में बहुत ऐसा ऐप्स आ गया है जो अपना लाइफ स्टाइल या जो हम दुकान चलाते हैं, यही एक्सपीरियंस आप सभी को बता देते हैं। या मैं एक दर्जी हूँ, सिलाई करता हूँ, वही सिलाई करके मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, इससे बहुत सारे लोग सीखते हैं और मैं इससे पैसा कमाता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोग भी जुड़े, ऑनलाइन इनकम करें। ऑनलाइन के नाम पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है, जैसे कि खाते से पैसा, जैसे कॉल आया बोलेगा मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, और जैसे ही आप OTP दोगे पैसा गायब खाते से। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं ऑनलाइन, इसलिए कोई विश्वास ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन नहीं, आप ऑनलाइन कमाने की कोशिश करो। आप ऐसा हो जाओगे कि जैसे कि आप कोशिश करोगे ना, सीखोगे। ऐसे नहीं कि आप जानकारी नहीं है और कोई काम में छेड़खानी करते हैं। जैसे कि YouTube से पैसा हम कमा रहे हैं और बहुत सारे क्रिएटर कमा रहे हैं, तो आप चाहोगे कि मैं भी कमाने लगूं, तो नहीं कमा सकते हो। अब बोलोगे कैसे भाई, आप कमा सकते हो मैं क्यों नहीं? तो इसका एक ही रीज़न है कि आपको इस फील्ड में नॉलेज नहीं है। तो कम से कम आप जब कोशिश करोगे, इसलिए बोल रहे ना कि कोशिश करो। जैसे आप वीडियो बनाना शुरू करोगे तो कैमरा, जैसे कि हम मोबाइल का कैमरा चालू किए हैं और बिना अटके हुए आप सभी से बात कर ले रहे हैं, लेकिन आप जब चालू करोगे नहीं बोल पाओगे, जो बोलना चाहोगे भूल जाओगे या जो सिखाना चाहोगे भूल जाओगे। ये मुश्किल से 2-4 दिन ऐसा होगा और धीरे धीरे आदत हो जाएगा। जैसे कि मैं लगभग 4-5 साल से वीडियोज बना रहा हूँ, तो मुझे क्या हो गया है, आदत सा हो गया है। मैं आसानी से कितना हूँ भीड़ में वीडियो बना लेता हूँ, जैसे कि इस पे जाके आप ट्राई कर सकते हो, चाहे जितना भीड़ हो कोई मतलब नहीं, मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है ना, मैं दुकान में कर रहा हूँ, दुकान के बाहर का लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आप सीखना शुरू करो। जैसे कि एक यूट्यूब नहीं है, जैसे कि आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। जैसे कि जो लिखने का शौक रखते हैं ना, तो लिख कर किसी के बारे में, मोबाइल कोई लॉन्च हो रहा है उसके बारे में लिख सकते हो, या कोई कार लॉन्च हो रहा है उसके बारे में लिख सकते हो, या सिलाई का मशीन है इसके बारे में भी लिख सकते हो, या ऑनलाइन कमाने के बारे में लिख सकते हो, जॉब का जानकारी रखता है जॉब का फॉर्म भरते हो उसके बारे में भी लिख सकते हो। यानी कि आप हर लाइन में लिख कर भी, जैसे कि हम बोल के बता रहे ना, उसी चीज़ को आप लिख कर, जैसे कि आप होस्टिंग करोगे, लिखोगे और इसको डालोगे, इससे भी पैसा होता है अर्निंग। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करें ऑनलाइन इनकम का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी स्रोत है। जैसे कि यूट्यूब पे ले लो, अभी शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। ये भी मेरा शॉर्ट्स वायरल हुआ है, लगभग 4 लाख के करीब करीब सब्सक्राइबर होने वाला है। लेकिन मैं लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों बनाता हूँ। शॉर्ट्स में मेरा टाइम नहीं मिलता है,
कि मैं अपने वाइफ के साथ शॉर्ट्स या ग्रुप बना के बना सकूं। जब तक मिलता था करते थे, अभी दुकान में अकेला हूं तो दुकान की कमाई से मेरा हर चीज चल रहा है, तो इसी पे ज्यादा फोकस है। और ऑनलाइन ये मेरा पार्ट टाइम काम है, ये ऑनलाइन जो काम है मेरा पार्ट टाइम है। आज के दिन में अकेला तीन तीन चैनल मोनेटाइज है, फेसबुक भी मोनेटाइज है और इंस्टाग्राम पर भी मोनेटाइज है। सोचो एक व्यक्ति इतने जगह पे कब्जा किया हुआ है और आप लोग से होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? आप लोग चुराते हो, अपने आप को खुल कर नहीं आते हो। तो आई होप मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप लोग कोशिश जरूर करें ऑनलाइन इनकम करने का। कम से कम आपका जो काम कर रहे हो वो तो है ही, कम से कम ये दूसरा जरिया हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं होगा। हो सकता है कि आपको सीखने में साल भर लग जाए, दो साल लग जाए, तीन साल लग जाए। जब आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से और जब अपना खुद कर खुल कर कोई भी काम करोगे, जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, लिखने का शौक है तो उसमें पैसा कमा सकते हो, वीडियो शूट करके डालोगे तो इससे भी कमा सकते हो, और हाँ आप किसी यूट्यूबर का वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे तो एडिट कर भी कमा सकते हो। तो बहुत ऐसा रीजन है जिससे आप कमा सकते हो, जैसे कि मैं एक दर्जी, सोशल मीडिया 4-5 मेरा एक्टिव है, देख सकते हैं मैं एक दर्जी हूँ और मैं 4-5 जरिए से कमाता हूँ, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाता हूँ। कम कमाता हूँ, ज्यादा नहीं कमाता, बहुत ही कम, किसी चैनल से $2, किसी चैनल से $1 तक, किसी चैनल से $1.5, लेकिन इनकम तो है ना भाई। तो आप लोग भी कोशिश करें ऑनलाइन इनकम का। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग में साथ रहा करें, खुश रहा करें और इसी तरीके से खुशियाँ बांटते रहें।